अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमएसएस सेशन 2022 के बारे में। इसमें जब अपनी पीएमएसएस की आईडी आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ऊपर आपको ऑप्शन एक मिलता है नोटिफिकेशंस का। उस नोटिफिकेशन में आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, एक क्लेरिफिकेशन होता है, एक पेंडिंग एक्शन होता है, एक कंप्लीटेड एक्शन होता है। तो इसमें दो जो एक्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पेंडिंग एक्शन, एक कंप्लीटेड एक्शन। तो इन्हीं दो एक्शंस पे जो है आपका पूरा पोर्टल डिपेंडेंट होता है, इन्हीं पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो मैं इस वीडियो में इन दो एक्शंस क्या तीनों एक्शंस को क्लेरिफिकेशन को भी मैं डिस्कस करूंगा। पेंडिंग एक्शंस में जितने भी यहाँ पे आपको पेंडिंग दिखा रहे हैं सबको मैं आपको समझाऊंगा कब ये क्लियर हो जाएंगे और इसका मतलब जो है वो क्या है। तो डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आ जाएंगे कंप्लीटेड एक्शंस का। कंप्लीटेड एक्शंस का मतलब ये है कि जो एक्शंस आपने कंप्लीट किए हैं, जैसे यहाँ पे इस कैंडिडेट का दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन बाय द स्टूडेंट, मतलब इसने रजिस्ट्रेशन की जो पहला पेज होता है, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन बाय द स्टूडेंट, देन लास्ट में जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन सबमिशन। यानी कि इसने अभी दो ही एक्शंस कंप्लीट किए हैं, एक तो इसने रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद इसने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट अपने किए हैं। उसके बाद यहाँ पे मेन जो होते हैं वो यहाँ पे आता है पेंडिंग एक्शंस। तो पहले जो ही आप देखोगे यहां पे पहले आपको आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द फैसिलिटेशन सेंटर। इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाई नहीं है, जिनको यहां पे पेंडिंग एक्शंस में दिखा रहा है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय फैसिलिटेशन सेंटर, मतलब कि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए। जब आप वेरीफाई करोगे ये यहां पे आ जाएगा, यहां पे तीसरा ऑप्शन आ जाएगा वेरिफिकेशन बाय फैकल्टेशन सेंटर। ठीक, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद यहां पे सीट एलोकेशन बाय द कैंडिडेट, सीट एलोकेशन मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद आपको सीट जो है वो मिल जाएगी। जब आपकी सीट मिल जाएगी तो यहां पे जो है सीट एलोकेशन जो वो कंप्लीट हो जाएगा और ये आ जाएगा तीसरे चौथे नंबर पे। ठीक, सीट एलोकेशन मतलब ये है कि आपको अभी तक सीट जो है वो अलॉट नहीं हुई है। उसके बाद यहां पे इसी ऑप्शन से आपको पता चलेगा चॉइस फिलिंग के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया कि आपका अलॉटमेंट हुआ है या आपकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। उसके बाद यहां पे तीसरा ऑप्शन जो यहाँ पे है आपके पास सीट कंफर्मेशन बाय द कैंडिडेट, ये वाला ऑप्शन। जब आपकी सीट अलॉट होगी तो उसके बाद आपने फ्रीज फ्लोट या नॉट इंटरेस्टेड करना है। अगर आप फ्रीज कर लेते हो दैट मीन्स कन्फर्म, तो ये एक्शन जो ये हटकर यहाँ पे आ जाएगा पाँचवें नंबर पे। ठीक, सीट कंफर्मेशन का मतलब ये है कि आपको जो अलॉटमेंट हुई है वो यहाँ पे आपने कन्फर्म की है या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो ये यहीं पे रहेगा पेंडिंग एक्शंस में, जब आप कंप्लीट करोगे तो ये लास्ट पे चला जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। यहाँ मैं इसको हटा देता हूं। ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड बाय स्टूडेंट, जब आपने सीट कंप्लीट कंफर्म कर दी उसके बाद आपने क्या काम करना होता है, आपने जो है सीट ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो आपको एडमिशन करना होगा, सीट कंफर्म की एडमिशन की आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपने पोर्टल पे आपने अपलोड करनी होती है। जब आप वो अपलोड कर दोगे वो यहां पे सिक्स नंबर पर आ जाएगी। ठीक, ये जब आपने किया उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट, आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड की, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी जो है इंस्टीट्यूट जो कॉलेज होगा वो वेरीफाई कर लेगा, वो जो ही वेरीफाई कर लेगा ये यहां पे लास्ट पे आ जाएगा। उसके बाद यहां पे जो नेक्स्ट नंबर का एप्लीकेशन इनेबल्ड फॉर डीबीटी, जब आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड की ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपकी वेरीफाई होगी, आपका एडमिशन सक्सेसफुली कॉलेज में हो गया, उसके बाद आपने जो है इनेबल आपका एप्लीकेशन होता है डीबीटी के लिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो होता है जिसमें आपको बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स डालनी होती है। तो जब आपकी डीबीटी का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा तो जब आप डीबीटी कंप्लीट कर लोगे तो ये डीबीटी का जो ऑप्शन है ये लास्ट पे चला आ जाएगा। तो जो ही आप ये कर लोगे देन उसके बाद यहां नीचे आते हैं, नीचे क्या क्या आता है डीबीटी, जब आप डीबीटी सबमिट किए उसके बाद वेरिफिकेशन जो होती है डीबीटी एप्लीकेशन सबमिशन बाय द स्टूडेंट, डीबीटी जब आपकी इनेबल हो गई एक, उसके बाद सबमिशन होना है एक होता है, जब आप इनेबल हो गई ठीक हो गया वो कंप्लीट, उसके बाद डीबीटी सबमिशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए कॉलेज ने, आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो आपका डीबीटी इनेबल नहीं होगा। डीबीटी इनेबल मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो गए हैं और आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप को क्लेम करने के लिए। जब आप एलिजिबल हो गए तो आप डीबीटी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। डीबीटी में क्या करना होता है, आपको बैंक डिटेल्स मैंडेट फॉर्म वगैरह डालना होता है, वो मैं समझाऊंगा डिटेल में, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। तो जो ही आप डीबीटी कर लोगे ये एक्शन जो है ये लास्ट पे इसमें कंप्लीटेड एक्शंस में चला आएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे वेरिफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट, अब आपने डीबीटी कर ली, बस डीबीटी तक ही आपकी पीएमएसएस की प्रोसेस होती है। डीबीटी कर ली आपने बस फिलहाल आपकी प्रोसेस जो है वो ठप हो गई, वो समाप्त होगी, अभी आपने कुछ भी नहीं करना है। अभी आपने क्या करना है, कॉलेज जो होगा आपका, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसमें आपने बात करनी है, अपने जो है वेरिफिकेशन वहां से करवानी, वेरिफिकेशन किसकी, पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वेरीफाई करवाना है। इसी में आपको जो है
माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी जो लगेगी, 10-12 मार्कशीट लगती है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इनकम वगैरह तो नहीं लगती है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट वो देनी होती है, उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, जो ही वेरीफाई वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप कर देंगे ये एक्शन आ जाएगा कंप्लीट एक्शन में। उसके बाद सबसे मेन जो वो आधार वेरीफिकेशन बाय द इंस्टीट्यूट। आधार वेरीफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी जो होती है वो आधार कार्ड पर ही आती है, आधार नंबर पर ही आती है। जब आपकी आधार की वेरीफिकेशन वहाँ होगी तो ये चला जाएगा कंप्लीटेड एक्शंस में। उसके बाद जो ही यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे बैंक वेरिफिकेशन बाय इंस्टीट्यूट ये आ जाएगा। तो आधार वेरिफिकेशन जो ही बैंक ने की उसी टाइम उनको बैंक की वेरिफिकेशन भी करनी होती है, क्या इसका जो अकाउंट है ये सही है, ये जो बैंक अकाउंट स्टूडेंट दे रहा है ये इसी स्टूडेंट का अकाउंट है, कहीं ये गलत अकाउंट तो नहीं है या कोई फ्रीज वगैरह अकाउंट तो नहीं है। ये जब आप इसको सबमिट करो, क्योंकि ये बैंक वाले तो ये कॉलेज वाले तो बैंक के पास जाएंगे नहीं, इसलिए उसके लिए आपने मैंडेट फॉर्म लेना होता है बैंक से, उसी पर सारी क्लेरिफिकेशन उनको होती है। तो जो ही आप बैंक वेरिफिकेशन करवा लोगे ये कंप्लीटेड एक्शंस में चला जाएगा, यानी कि जो आपकी पूरी प्रोसेस होती है वो इसी पेंडिंग एक्शंस पे डिपेंड होती है, यहीं से आपको सारी डिटेल में समझ आ जाएगा। तो कंप्लीटेड एक्शंस मतलब जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं, और यह पेंडिंग एक्शन से पता भी चल जाएगा अभी आपने क्या क्या करना है। उसके बाद ये जो क्लेरिफिकेशन होता है इसमें आपको DBD का स्टेटस अपना चेक हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर स्टूडेंट का आप देखो एप्लीकेशन स्टेटस इज सबमिटेड, अभी इसका सबमिटेड है, जब आपको एडमिशन हो जाएगा ये वेरीफाइड आ जाएगा और AICTE PMSS अप्रूव्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको दिखा रहा है काइंडली विजिट फैकल्टेशन सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि इसको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, इसने नहीं जा ये अभी गया नहीं है, अभी जो जाएंगे उनको यहाँ पे दिखाएगा कि उनको यहाँ पे किसी और चॉइस फिलिंग वगैरह का दिखाएगा, उनको ये वाला यहाँ पे नहीं दिखाएगा। तो इस तरीके की ये जो तीन एक्शंस होते हैं क्लेरिफिकेशन, पेंडिंग एक्शन और कंप्लीटेड एक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के जरिए आपको क्लियर कर दूँ। मैंने कोशिश की कि क्लियर करने की अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग नहीं होगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेता हूं।